अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह दोस्तों, आमिर कयूम खटक बल्की आर्मरी इंटरनेशनल से आपकी खिदमत में पेश। वी प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन योर हैंड्स। दोस्तों, आज का रिव्यू करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो कि मैं आप लोगों को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। नंबर वन, हमारी कोई भी रिव्यू जो होता है स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना हम कोई मॉडर्न गैजेट्स यूज़ करते हैं अपनी इस रिव्यू को बनाने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सादा से, आसान से अल्फाज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जी। तो जो आर्टिकल हमें समझ आती है कि बताना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने सामईन को, सार्फिन को, उसके हम रिव्यू बनाते हैं और कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो लिहाजा अगर कोई कमी बेशी होती है तो आप कमेंट्स में काइंडली हमें अपनी आरा से इन्फॉर्म कर दिया कीजिए जी, और हम लोग बिल्कुल उस पर अमल करते हुए उसको आगे अगली वीडियोस में उसको एड्रेस, अगर कोई चीज़ रहेगी तो उसको हम एड्रेस करेंगे। नंबर टू, अगर इस वक्त मेरी इस वीडियो को कोई 17 साल से 18 साल से कम उम्र का बच्चा देख रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसको, हर बंदा ये कहते हैं असले का शौक अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि असले का शौक अच्छा नहीं है। अगर तरबियत दी जाए, अगर सेफ्टीज़, प्रिकॉशंस सारी चीज़ें बताई जाएँ, अगर तालीम और तरबियत दोनों हों, साथ साथ हों, तो कोई बुरा शौक नहीं है। कोई चीज़ बुरी नहीं होती, इंटेंशंस बुरी होती हैं। आपको एक गलत इंसान को रोकने के लिए जिसके पास बंदूक हो, एक अच्छा इंसान चाहिए जिसके पास बंदूक हो, वरना आप गलत इंसान को नहीं रोक सकेंगे। वापस आते हैं दोस्तों अपने रिव्यू के ऊपर। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के ओल्ड स्कूल फैशन के, ब्रांड लॉयल किस्म के लोग, जो कि कुछ गन्स को, कुछ हर एक चीज़ को वो लॉयल हो जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो गन आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही होगी, वैसे देखने में ये आपको टेकरोव 30 बोर, TT-33, TT-30, M20, M11, कोई भी आप कहिए, आपको उस तरह का नजर आ रहा होगा, लेकिन ये 30 बोर नहीं है। दिस इज बेसिकली 9x19 लूगर के कारतूस को खाने वाला, मेड बाय नोरेंको, NP-17 है 9mm, 8 सिंगल स्टैक मैगजीन के साथ, 8 राउंड्स की कैपेसिटी के साथ। ये पिस्टल बिल्कुल टेकरोव का आप डिटो कॉपी कह सकते हैं। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो रशियन मॉडल की तरह, टाइप 54 की तरह यहाँ पे आपको एक मैनुअल लॉक दिया गया है। उसके अलावा इसमें जो है वो हाफ लॉक होता है, जो हर टेकरोव पिस्टल में, इसके ट्रिगर में, अगर आप इसको दरमियान में ले आए तो दिस इज हाफ लॉक, जिससे इसका ट्रिगर भी लॉक हो जाता है और स्लाइड भी लॉक होती है जी। दोस्तों, नोरेंको की क्वालिटी पे बना हुआ 4.5 इंच बैरल के साथ, हैमर फोर्ज स्टील की बनी हुई फुल मेटल फ्रेम, दिस इज द आइडियल। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो ये लाख रुपए से कम में इस वक्त पे मार्केट में अवेलेबल है। बाकी मेरे ख्याल में कोई ऐसा 9mm पिस्टल क्वालिटी का नहीं है जो कि आपको लाख रुपए से कम में मिले। इसके साथ जो जो इसकी बॉक्स पैकिंग में जो आता है, इसका मैनुअल आता है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन आती है, मैगजीन के नीचे उन्होंने पिंकी के लिए जो है वो एक्सटेंशन दी हुई है, ग्रिप बहुत मज़ेदार बन जाती है जी। एर्गोनॉमिक्स इसके वही हैं जो TT-33 के हैं, और एक यूनिक सा मॉडल है, बहुत स्लिम और कॉम्पैक्ट कैरी के लिए। मेरे ख्याल में इस कीमत में इससे बेहतर चीज़ आपको और कोई नहीं मिल सकती जी। दो के 9mm में, फिर नोरेंको के और बहुत सारे कॉम्पैक्ट उसमें सीरीज़ में बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन ये आपको आपके टेकरोव की याद भी साथ साथ दिलाता रहेगा, और परफॉर्मेंस तो इज़ लाइक एनीथिंग जी। तो लाइसेंसिंग इज मस्ट। कलर इसमें इस वक्त पे हमारे पास सिर्फ ये मैट ब्लैक में अवेलेबल है जी। वैसे इसमें 2-3 कलर्स आते हैं जो कि नॉर्मल टेकरोव में आते हैं, बिल्कुल वाइट भी आता है, ब्लैक एंड वाइट भी आता है, और इस ब्लैक फिनिश में भी आता है। वीडियो को देखने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।